A positive thought in the morning can change your whole day. Hi friends, good morning. Welcome back to my channel. तो आज मैं आपका स्वागत करती हूँ लॉकडाउन 4.0 के साथ. I know, अभी लगता है ये लॉकडाउन कभी खत्म ही नहीं होगा. मुझे भी ऐसे ही लग रहा था, पर मैंने सोचा जब इतने दिन कट गए तो आगे का समय भी कट जाएगा, एंड अगर हम इसको सीरियसली नहीं लेंगे तो इट विल नॉट बी वेरी सेफ फॉर अस एंड आवर किड्स ऑल्सो. सो क्यों ना इसी को हम इन्जॉय करना शुरू कर दें. तो जो मेरा डेली रूटीन है ना, अब मैंने उसको इन्जॉय करना शुरू कर दिया. एंड आई एम टेलिंग यू, ऑल दिस लॉकडाउन पीरियड आई हैव इन्जॉयड ईच एंड एवरी मिनट स्पेंड विद माई फैमिली, किड्स, मेकिंग फूड, इन्जॉइंग गेम्स. एंड यू नो, ऐसा टाइम कभी पहले आया ही नहीं था हमारी लाइफ में, एक साथ बैठना, एक साथ खाना बनाना. तो आप भी इसे इन्जॉय करिए, पॉजिटिव रहिए और घर पे रहिए. तो आज ना बैंगलोर का मौसम बहुत ही अच्छा है. अभी बजे हैं 10:30 और अभी का टेम्परेचर है अराउंड 28 डिग्री सेल्सियस. कल रात यहाँ बारिश हुई और बारिश के बाद जो सुहाना मौसम हो गया. तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि बैंगलोर में का मौसम आज कैसा है. तो ये है मेरी बालकनी और बालकनी में एज यू कैन सी बहुत ही पेड़ हैं, हरे भरे पेड़ बाहर यहाँ पे, और बहुत ही अच्छी हवा चल रही है यहाँ पे. हल्की सी धूप आ गई है, बट बहुत ही बहुत मज़ा आ रहा है इस मौसम में. ना गर्मी ज़्यादा ना ठंड ज़्यादा, जैसे हिल स्टेशंस का मौसम होता है वैसा ही लग रहा है. और इसमें काम करने में भी बहुत मज़ा आता है. चलिए आज का रूटीन शुरू करते हैं. सो हियर इज़ माई यंगर डॉटर. अभी उसकी क्लासेस ख़त्म हो गई हैं एंड समर वेकेशन शुरू हो गया, एंड शी इज़ लिसनिंग टू सम म्यूज़िक. सो फ्रेंड्स, मेरा डेली रूटीन शुरू होता है सुबह जब मेरे हस्बैंड ऑफिस जाते हैं, कभी घर से काम करते हैं. बट मेरे हस्बैंड के जाते ही मैं रोज़ वॉक पे निकल जाती हूँ. अगर मैं वॉक नहीं कर पाती तो मैं योगा कर लेती हूँ, बट वो एक घंटा जो होता है ना, वो मेरा मी टाइम होता है. एंड उस एक घंटे को मैं रेगुलरली फॉलो करती हूँ, आइदर ब्रिस्क वॉक, योगा, सम एरोबिक एक्सरसाइजेस. आप भी करिए, क्योंकि ये लॉकडाउन का फेज ऐसा है ना कि हम घर के अंदर बंद हो गए हैं, बट थोड़ी सी हवा में, खुली हवा में, चाहे आपकी टेरेस हो, छत हो, कहीं पे भी आपको थोड़ी भी जगह मिले, वॉक कर लीजिए, थोड़ी योगा, सिंपल योगा एक्सरसाइजेस कर लीजिए, कुछ एरोबिक्स कर लीजिए. उससे आपको ना बहुत पॉजिटिविटी लगेगी एंड यू विल फील वेरी पॉजिटिव थ्रू आउट द डे. एंड आफ्टर दैट आई कम बैक, आई मेड अ सिंपल ब्रेकफास्ट टुडे, ऑमलेट ब्रेड एंड पिज्ज़ा फॉर माई किड्स. And now I'm going to make some lunch for my kids, and this is going to be a very simple lunch. So, देखिए आज मैं क्या बना. This is my tiny little kitchen, और आज मैं बनाने जा रही हूँ भिंडी और आलू की सब्जी. प्याज और भिंडी तो आप सबने सुना ही होगा, but आज मैं कुछ नया try करने वाली हूँ, because मेरी छोटी बेटी को ना आलू बहुत पसंद है. तो सबसे पहले है मैं ये भिंडी को ना माइक्रोवेव कर लूँगी, और माइक्रोवेव करने से थोड़ी भिंडी सॉफ्ट हो जाएगी और पकाना थोड़ा इजी हो जाएगा और लेसिक सापन उसका चला जाएगा. तो सबसे पहले मैं इसको माइक्रोवेव करती हूँ फॉर अराउंड 4 मिनट्स. तो देखिए मैंने ये भिंडी जो है ना एक माइक्रोवेव बॉल में दबाऊ और इसे धीरे धीरे मैं हाई पावर पे 4 मिनट्स माइक्रोवेव कर लूँगी. एक बार 2 मिनट का साइकिल, फिर दूसरी बार 2 मिनट. तो मैंने पहला 2 मिनट का साइकिल स्टार्ट कर दिया है, तब तक मैं आलू फ्राई कर. अब मैंने नेक्स्ट 2.5 मिनट का साइकिल लगा लिया माइक्रोवेव करने के लिए भिंडी को. थोड़ी आधी पक जाए तो बहुत अच्छा रहेगा. तो मैंने इसके लिए ना एक कढ़ाई ले ली है. कढ़ाई में मैं अराउंड 2 टेबलस्पून ऑफ ऑयल डाल रही हूँ, और बेसिकली ना थोड़ा आलू को फ्राई करने के लिए हमें ऑयल चाहिए होता है. अब ना इस गर्म तेल में ना मैं छोटा चम्मच जीरा डाल दूंगी. अब मैं कढ़ाई में 1 चम्मच कटी हुई हरी मिर्च डालूंगी. अब ये जो भिंडी है ना, 4 मिनट माइक्रोवेव कर ली है मैंने. अब मैं इसे बाहर निकालूंगी एंड देखिएगा कितनी सॉफ्ट हो गई है ये. माइक्रोवेव करने के बाद ये भिंडी बहुत सॉफ्ट हो गई है और अभी थोड़ी गर्म भी है,
बट हाँ अब पकाने में थोड़ा इजी हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं कि ये आलू थोड़े कुरकुरे से हो गए हैं। अब इसमें ना मैं मसाले डालूंगी एंड देन माइक्रोवेव भिंडी। तो पहले मैं लूंगी अराउंड 1/4 टीस्पून ऑफ हल्दी पाउडर, 1 स्पून ऑफ रेड चिली पाउडर, नाउ सॉल्ट एज पर योर टेस्ट मैं 1 चम्मच डाल रही हूँ, 1/2 टीस्पून ऑफ जीरा पाउडर, ये बहुत टेस्टी लगता है मिट्टी में, 1/2 टीस्पून ऑफ जीरा पाउडर। अब इसको हम कवर कर देंगे और मीडियम से स्लो फ्लेम पे पकाएंगे। तो चलिए देखते हैं हमारी भिंडी तैयार हुई कि नहीं। मुझे लग रहा है हो गई है। तो ये हो गई हमारी मसाला कुरकुरी आलू भिंडी। अब इसमें एक ही चीज एंड यू नो ये सिर्फ 5 मिनट में बन गई है भिंडी। अब लास्ट में हम इसमें अमचूर पाउडर 1 टीस्पून डालेंगे। नाउ लेट्स मिक्स अमचूर पाउडर। तो हमारी भिंडी ऑलमोस्ट रेडी, हमारी रेडी है आलू भिंडी की कुरकुरी सब्जी। अरहर की दाल के लिए मैंने 1 कटोरी अरहर पानी में भिगो के रखा है, अरहर की दाल। अब मैं इसमें से पानी निकाल दूंगी और इसे कुकर में डाल दूंगी। एक कटोरी अरहर की दाल में मैं 3 कटोरी पानी डाल दूंगी। अब इस कुकर में 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 3/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1 चम्मच नमक डाल देंगे। अब जो कटे हुए टमाटर है वो मैं इस दाल में डाल दूंगी। लास्ट ये जो हींग है वो थोड़ा सा डाल दूंगी इसके अंदर। नाउ वील वेट फॉर अराउंड 2 to 3 whistles जिससे दाल उबल जाएगी। सो फ्रेंड्स ये दाल बन गई है। अब मैं इस दाल को ना एक बाउल में निकालूंगी और फिर तड़का लूंगी। इट्स अ वेरी सिंपल दाल जो हम डेली आप देख सकते हैं दाल हो गई है। के लिए हमने एक तड़का वाला वेसल ले लिया है जिसमें हम आराम से तड़का मार देंगे। तड़के वाले वेसल में आई एम गोइंग टू पुट अराउंड 1 स्पून ऑफ घी। नाउ इन दिस घी आई एम गोइंग टू पुट 1/2 टीस्पून ऑफ क्यूमिन सीड्स, 1 टीस्पून ऑफ ग्रीन चिलीज, गार्लिक चॉप्ड, अभी तड़का जो है ना ये हम इस दाल में डाल देंगे। अब इस तड़के को ना दाल के साथ मिक्स करके बहुत ही अच्छी घी की स्मेल आ रही है। एंड नाउ विल स्प्रिंकल सम कोरिएंडर लीव्स। और ये हमारी रेडी होगी दाल तड़का। खाने में भी टेस्टी होगी और स्मेल भी बहुत अच्छी आ रही है। सो दिस इज अ यमी दाल तड़का और सिंपल आलू भिंडी की कुरकुरी सब्जी। और इसको मैं सर्व करूँगी चावल के साथ। तो अब मैं इस प्लेट में डाल देती हूँ दाल। तो ये हो गया मेरा दाल, मैंने सर्व कर दिया राइस और थोड़ा सा घी डाल दूंगी मेरी बेटी के लिए।
और इसमें थोड़ी सी भिंडी आलू की सब्जी। तो ये रेडी है हमारा आज का लंच। तो चलिए टेस्ट करके देखते हैं कि आज का लंच कैसा बना। तो ये है गर्मा गर्म चावल, दाल और भिंडी। टेस्टी बना। समो कैसा बना है? टेस्टी है। सो फ्रेंड्स, आई होप यू एंजॉय टुडेज व्लॉग। तो कल मिलते हैं फिर एक नए व्लॉग के साथ। टिल देन कीप सेफ, कीप हैप्पी एंड कीप एंजॉयिंग लॉकडाउन 4.0। एंड बिफोर आई गो, प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।